नमस्कार एवरीवन टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर चैप्टर टू मी एंड माय फैमिली सी हम आज जो ये चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो पूरा हमारी फैमिली के बारे में है कि फैमिली कितने टाइप्स की होती है उन फैमिलीज़ में कितने मेंबर्स रहते हैं है ना उन फैमिली को क्या क्या बोला जाता है तो फैमिली uh, पहले हम फैमिली किसे बोलेंगे वॉट इज़ फैमिली तो आंसर है अ फैमिली इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल वू लिव टुगेदर विथ लव एंड केयर फॉर वन अनदर यानी कि फैमिली एक ऐसा ग्रुप है लोगों का जो एक साथ रहते हैं विथ लव एंड केयर प्यार से और एक दूसरे की देखभाल करके वो लोग रहते हैं एक ग्रुप में उसे हम फैमिली कहते हैं है ना तो सम फैमिलीज़ हैव मैनी मेंबर्स एंड सम हैव अ फ्यू मेंबर्स यानी कई फैमिलीज़ होती है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और कई फैमिलीज़ होती है जिसमें फ्यू यानी थोड़े मेंबर्स होते हैं है ना देर आर टू काइंड्स ऑफ फैमिलीज़ यहाँ पे दो तरह की काइंड्स ऑफ यानी दो तरह की फैमिलीज़ होती है स्मॉल फैमिलीज़ एंड बिग फैमिलीज़ ये स्मॉल फैमिलीज़ होती है और बिग फैमिलीज़ होती है यानी बड़ी फैमिली होती है तो माय फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली मेरी जो फैमिली है वो स्मॉल फैमिली है आई लिव विथ माय पेरेंट्स एंड सिस्टर मैं मेरे पेरेंट्स और सिस्टर के साथ रहता हो तो ये मेरी फैमिली कैसी हुई स्मॉल फैमिली सच फैमिली इज़ ऑल्सो नोन एज अ न्यूक्लियर फैमिली ऐसी फैमिली को हम कौन सी फैमिली बोलेंगे न्यूक्लियर यानी छोटी फैमिली जो जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और सिस्टर या हमारा ब्रदर हो उसमें उसे हम न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली बोलेंगे देर आर फोर मेंबर्स इन माई फैमिली इनकी फैमिली में कितने मेंबर्स है फोर मेंबर्स हैं है ना आई लव माई सिस्टर मैं मेरी सिस्टर को बहुत प्यार करता हूँ आई लाइक टू प्ले विथ हर मुझे उसके साथ खेलना बहुत पसंद है माई ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन लिव इन अनदर सिटी मेरे जो ग्रैंडफादर है वो कहाँ रहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स है वो अनदर सिटी यानी दूसरी सिटी में रहते हैं दे कम टू मीट अस ओकेशनली वो हमें मिलने आते हैं जब कुछ ओकेशंस होते हैं ओकेशन होते हैं यानी हमारा बर्थडे हो घर में किसी का है ना या फिर त्यौहार हो कहीं आना हो जाना हो तो ये ओकेशंस है जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है वो हमारे घर आते हैं नहीं तो वो कहाँ रहते हैं दूसरी सिटी में रहते हैं तो न्यूक्लियर फैमिली किसे बोलते हैं चलो जिस फैमिली में पेरेंट्स हो या सिस्टर या ब्रदर हो है ना उसे हम क्या बोलेंगे स्मॉल फैमिली बोलेंगे स्मॉल फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं नो स्मॉल फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स नहीं होते दे आर लिव्ड इन अनदर सिटी दे कम टू मीट अस ओकेशनली वो ओकेशंस होते हैं तभी हमारे घर आते हैं तो ये हुई स्मॉल फैमिली न्यूक् न्यूक्लियर फैमिली नाउ विल सी लार्ज फैमिली दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माय फ्रेंड नीलूज फैमिली ये मेरी फ्रेंड है नीलू उसकी फैमिली की पिक्चर है सी नीलू लिव्स विथ हर फादर मदर सिस्टर एंड टू ब्रदर्स वो जो नीलू है वो किन किन के साथ रहती है अपने मम्मा पापा है ना सिस्टर और टू ब्रदर और दो भाइयों के साथ रहती है हर फैमिली इज अ लार्ज फैमिली उनकी जो फैमिली है नीलू की फैमिली वो लार्ज है यानी लंबी बड़ी है ना हर ग्रैंड पेरेंट्स लिव विथ हर सी लार्ज फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स है वो अपने साथ रहते हैं उसे हम क्या बोलेंगे लार्ज फैमिली हर अंकल्स आंट्स एंड कजिन्स लिव इन अनदर सिटी उनके जो अंकल्स हैं यानी चाचा मासा मामा जो भी है वो लोग कहाँ रहते हैं अंकल आंट्स एंड कजिन्स वो सब अलग सिटी में रहते हैं वो उनके साथ कौन रहता है नीलू के साथ उनके फादर मदर सिस्टर ब्रदर्स एंड हर ग्रैंड पेरेंट्स है ना तो इसे हम कौन सी फैमिली बोलेंगे लार्ज फैमिली नाउ द पेज नंबर इलेवन दिस इज अ पिक्चर ऑफ माई फ्रेंड उत्कल्स फैमिली ये मेरे फ्रेंड उत्कल उत्कल की फैमिली की फोटो है जहाँ पे हम देख सकते हैं लिव्स विथ हिज पेरेंट्स जहाँ पे वो उनके पेरेंट्स के साथ रहता है ये देखो उनके पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ये ब्रदर और सिस्टर हुए फिर ग्रैंड पेरेंट्स ये ग्रैंड पेरेंट्स है अंकल एंड आंट सीधा अंकल एंड आंट एंड कजिन देखो यहाँ पे कज़िन भी है हिज फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली इसे हम जॉइंट फैमिली बोलेंगे जॉइंट यानी जिसमें बहुत बड़ी फैमिली जिसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हो यानी ग्रैंड पेरेंट्स पेरेंट्स अंकल अंकल्स एंड कजिन्स है ना तो आज हमने तीन टाइप की फैमिलीज देखी न्यूक्लियर फैमिली यानी स्मॉल फैमिली लार्ज फैमिली यानी बिग फैमिली एंड जॉइंट फैमिली है ना तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है देर आर पेरेंट्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर इन द फैमिली फिर लार्ज फैमिली में क्या होता है देर आर पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर एंड ग्रैंड पेरेंट्स है ना और लार्ज फैमिली में क्या हो सॉरी जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है देर आर पेरेंट्स ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स अंकल आंट एंड कज़िन सो ये हुई ज्वाइंट फैमिली लार्ज फैमिली और स्मॉल फैमिली आपको क्या करना है आप कौन सी फैमिली में रहते हो मुझे वो आंसर देना है कि विच टाइप ऑफ फैमिली डू यू हैव आपके पास कौन सी फैमिली है लार्ज फैमिली है या जॉइंट फैमिली है या स्मॉल फैमिली है और उनमें कितने मेम्बर्स है वो आपको मुझे लिख के भेजना है मैं क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगी ओके okay?